गंगा दशहरा। देवी गंगा के धरती पर अवतरण दिवस को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाने का विधान है। इस दिन किसी भी नदी में स्नान करने और दान देने का बहुत महत्व माना गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत्सर मुखी मानी गई है, इसमें स्नान और दान विशेष कर करना चाहिए। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ और तिलोदक अवश्य करें। इस दिन खासकर गंगा नदी में स्नान करने और दान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र करते हुए दान पुण्य उपवास भजन एवं गंगा आरती का आयोजन करना चाहिए। यदि गंगा दशहरा मंगलवार के दिन हो तो यह सबसे शुभ योग माना जाता है। यदि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मंगलवार हो तथा हस्त नक्षत्र युता तिथि हो तो यह सब पापों को हरने वाली होती है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष बुधवार, हस्त नक्षत्र गर्भ आनंद व्यतिपात कन्या का चंद्र वृषभ के सूर्य, इन 10 योगों में मनुष्य गंगा स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। गंगा दशहरा पर हजारों भक्त ऋषिकेश प्रयागराज बनारस गढ़ मुक्तेश्वर हरिद्वार गंगा सागर और पटना के गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध घाट वाराणसी और हर की पौड़ी हरिद्वार की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। जो लोग माँ गंगा का दर्शन नहीं कर पाते वो मथुरा वृंदावन और बेटेश्वर में यमुना जी में स्नान कर अपने आप को धन्य करते हैं। ओम नमो भगवती हीली हीली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। यह गंगा जी का मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिलो, मुझे बार बार पवित्र करो। इस मंत्र के साथ माँ गंगा का ध्यान और पूजन करने हेतु गंगा नदी में खड़े होना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य इस दशहरा के दिन गंगा नदी में खड़ा होकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, फिर चाहे वो दरिद्र हो या असमर्थ हो, माँ गंगा की पूजा का फल उसे अवश्य मिलता है। इस साल गंगा दशहरा 1 जून 2020 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस प्रकार जून महीने का शुरुआत ही इतना पवित्र महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।